बोल रहा था खा लेते फिर एक साथ ही चल पड़ेंगे। बाकी गाइस फाइनली उठ चुके हैं, हो चुकी है आज के दिन की शुरुआत। आज तो देखो हम रेडी भी हो चुके हैं, अभी टाइम हो रहा है अराउंड 8:15। ये किसके लिए? जिम में दस्तक में दोस्त तो है नहीं है नहीं अभी जिम में तो गायब है सुबह से, रुनी तो मिला हमें गई पता नहीं कहाँ है, शायद चली गई होगी, उसको लगा होगा आज जा रहे हैं मेरे मालिक तो मैं भी चले जाती हूँ। बाकी गाइस फाइनली रेडी हो चुके हैं, अभी हमारा जो हमने पहली जगह जाना है वो जाना है हमने अपने देवता जी के मंदिर, श्री गुरु महाराज जी के मंदिर, वहाँ दर्शन करेंगे। उसके बाद हमने निकल जाना है दुइना के लिए, उससे पहले जाना पड़ेगा गाड़ी तक, गाड़ी तक सारा सामान ले जाएंगे हम, फिर हम वापस नीचे नहीं आएंगे, फिर वहीं से डायरेक्टली हम निकल जाएंगे शिमला के लिए भी। तो ऐसा कुछ प्लान अभी, बट फिलहाल के अभी कुछ ना थोड़ी बहुत पेट पूजा करते ताकि डायरेक्टली निकल जाए, फिर ऐसा ना हो कि वापस आना पड़े, फिर वापस खाओ पियो लेट हो जाएंगे। मम्मी तो सुबह 5 बजे के उठे, हम भी अराउंड 6:30-7 बजे उठ गए थे। कहाँ था मेरा बेटी है, कहाँ था तू यार, बहुत अच्छा बेटा, रोटी लाओ भाई जी मुंह ले, ये 3 बड़ी बड़ी ना, चल आज तू ही दे इसको, जा 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 यार मेरा फोन भी ले। अब ये सही है, सुबह जिमी गायब थी, आज अभी रूनी गायब है, इसको तो खिला रहा है जिमी को, अब मुझे रूनी को खिलाना, अब रूनी है नहीं यहाँ पर, और अगर रूनी टाइम से नहीं आएगा तो शायद ये जिमी को ही ना चले जाए क्योंकि मानेगी नहीं तब तक। धूप तो सेको तब तक यार, ओ भाई साहब यार ये सेकने वाली धूप नहीं बची है भाई, मैं सोच रहा था सेकने वाली धूप है आराम से सेकूंगा पीठ गर्म करूंगा, बट नहीं ये कुछ ज्यादा ही तेज धूप है यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं गलत लाया फिर तो, ये जैकेट मुझे सही में भाई की तरह शर्ट लानी चाहिए थी जो मुझे बचा के रखता टैनिंग से। जय श्री भगवान। देख रहे हो इस पूरे इलाके में ना घास होता था, मतलब झाड़ियाँ होती थी बहुत घनी घनी। कब लगी आग? अभी कुछ टाइम पहले, महीने एक पहले सोचो आग लगी और सारी झाड़ियाँ वैनिश होगी, मंदिर को कुछ नहीं हुआ। ये है पावर, ये है शक्ति। करना भगवान जो तू दे रहा है उसके लिए हम बहुत बहुत तेरे धन्यवाद आभारी है श्री गुरु भगवान, जो तू यहाँ रक्षा करता है, यहाँ नजर दृष्टि रखता है। देखो इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया गाइस, बट ये है कि यहाँ से नीचे नहीं आ रहे। ओम नमः शिवाय। करना नजर दृष्टि कर जैसे रखते आ रहे हैं श्री गुरु भगवान, पर जल्दी पता लगा हमारे को कि हम यहाँ ऐसी जगह में भी है, तेरे कृपा से सब कुछ बढ़िया हो रहा है, फूल भलिया का ये देखो गाइस। ये दोनों मतलब क्या बात है भाई, रौनक है इस पूरे बगीचे की, दोनों ये मानते नहीं है, पीछे से आएगा आपका हाथ चाटने लग जाएगा या आपके ऊपर जम मार देगा। ये वाला स्पेशली बहुत चैतान हो गया, छोटे वाला मारा नहीं। जिमी बेचारी शरीफ हो गई है, ये शैतान हो रहा है, शैतान हो रहा है तू, चलो चलो आ जाओ, तेले रोटी भी है, चल रोटी भी है तेले, चल 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 चल। बाकी गाइस बढ़िया से दर्शन, दे 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 धक्के मार के निकल रहा है आगे दोनों, ये देखो ये देखो ये देखो। बाकी गाइस दर्शन अच्छे से हो चुके हैं यार, मतलब देवता जी के मंदिर पे आकर स्थान पर आकर ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, दर्शन हो गए अब निकलते हैं यार आगे दुइना के लिए, बट वो है कि उससे पहले हमारे को ऊपर गाड़ी तक जाना पड़ेगा, फिर अपनी गाड़ी लेके जाएंगे दुइना, फिर आज शंठा में भंडारा भी है तो वहां पर भंडारे का सेवन भी करेंगे, क्योंकि यार आज ना बहुत बड़ा एक मतलब त्यौहार है हमारे यहाँ जिसको बोलते हैं साजी, जो हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं हम लोग, और नीचे क्या बोलते हैं माता के मंदिर और श्री गुरु भगवान के मंदिर में तो चली रही है पूजा, माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, मैं मतलब विश करना भूल गया आप लोगों को, हैप्पी नवरात्रि आप सभी को और रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक आप सभी को, मेनी मेनी गुड विशेज टू एवरी वन आउट देयर यार, आप लोग हमेशा ऐसे हंसते खेलते रहे खुश रहे, मेरी यही दुआ है। बाकी बस चलते अब अपने घर की तरफ, सामान उठाते और चलते गाड़ी की तरफ। बाकी गाइस देखो अपना जैसे मौसम साफ हुआ है ना तो कितने अच्छे से ब्लूम कर रहा है पूरा का पूरा बगीचा, देखो कितने अच्छे से ब्लूम कर रहा है यार, सो डैम अमेजिंग है ना। कंटिन्यूस आवाज, अगर मौसम ठीक नहीं होता ना तो बेचारी मधुमक्खियाँ भी बाहर नहीं आ पाती है ना, और शायद ये जो ब्लूम इतने अच्छे से अभी ये जो फ्लावरिंग हो रही है वो भी नहीं हो पाती है, कितनी ज्यादा फ्लावरिंग है ना, जैसे हमने जब देखा तो पिंक ही था, हाँ की रोटी बच गई थी तो रूनी रूनी आ जा। तो गाइस इट्स 10:30 अब निकल रहे हैं हम, और ऐसा है कि अभी ऊपर चढ़ते चढ़ते भी अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब बाय 11 वील बी
देयर। पहले ये डिसाइडेड था कि दादी को हम उठाते हुए चलेंगे, क्योंकि दादी भी चौपाल में थे अपनी बहन सुमी दादी के पास, बट वो है कि वो सुबह ही निकल गए गुड्डू पापा के साथ, क्योंकि गुड्डू पापा भी शिमला से है तो उनके साथ ही निकल गए थे। शायद और लोग भी आज मिल सकते हैं हमें, जो मुझे एक्सपेक्टेड है। अब गुड्डू पापा के साथ शायद हो सकता है दिव्या मनित हो, लक्ष्मी मम्मी हो। तो गाइस फाइनली गुड बाय करता अपने इस प्यारे से घर को और साथ ही में इस प्यारे से बगीचे को। बहुत जल्द आएगी यहाँ पर, बहुत जल्द, बट अच्छा हुआ हम इस टाइम पे आ गए ना, इतना खूबसूरत माहौल कब देखने को मिलना था वरना हमें। आ जाओ यार, बाय कह दो एक बार, फिर कब मिले। आ जाओ, बाय मेरे बच्चों, बाय बाय मिले बच्चों, बाय बाय मिलेगा आपसे, बाय मेरा बिच्चू। अरे बस यार, दूसरे से भी तो मिलने दे, वो भी तो मेरा दोस्त है, चल। सो गाइस फाइनली गाड़ी तक पहुंच गए हम, अब अंदर बैठे हम ताकि जो स्वेटिंग हुई हो थोड़ा सूख जाए, जो यहाँ हवा चलती है वो ना लगे उस पर, अगर हवा लगेगी तो ठंड बीमार होने के पूरे पूरे चांसेस है। पहले धूप लगी थी, मैं धूप में बाहर खड़ा था तो ठीक लग रहा था, बट धूप छिप गई तो मुझे अंदर आना पड़ गया। टाइम बताऊं तो हमें ऑलमोस्ट आधा घंटा लगा नीचे से, 10:30 बजे हम चले थे, 11 बजे हम एग्जैक्ट यहाँ पहुंच गए, ठीक है। बाकी मम्मा पापा बेचारे आराम से आ रहे, उनको बोला था कि आप ना सीधे सीधे में आ जाओ, आगे चौपाल मिलते, बट बोलते नहीं हम ऊपर ही आएंगे, ऊपर ही आएंगे। फिर उनको एक ऑप्शन हमने नीचे का दिया था कि नीचे को उतर जाओ, आप लोग आसान रहेगा, बोले नहीं हम ऊपर ही आएंगे। हीड़ा कौन सा था ये? ये सामने, अच्छा सामने, टी टी अच्छा, ओके ये वाला गए जाए, आपको ये दिख रहा है, नेट्स दिख रहा है यहाँ से, देख यहाँ से वो पार बगीचे कितनी ज्यादा हाइट पे, पार वाले उससे भी ज्यादा हाइट पे, वो जो हमें घर दिखता है वो और भी हाइट है, और छत्तर की चोटी असल में कितनी हाइट पे है वो हमें फील नहीं होता है। गाइस पापा उतर गए अभी बस स्टॉप और हम जा रहे हैं आगे थोड़ा सामान लेने, क्योंकि नैन्सी दीदी का स्पेशल फोन आया था, वो भी आए हुए यहाँ पर गांव, तो उन्होंने कुछ सामान बोला था हमारे को, तो हमने सोचा अभी लेके चलते हैं। और बेचारी दादी वो भी परेशान हो रही, कब से हो रहे आ जाओ तुमने, लेट कर दी अच्छा वो भी उठाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, तो वो दुकान मिल गई दादी को, नहीं पता छोड़ा गए, वैसे कि मेरा गोभी का लिफाफा भुला है कहीं, तो पूछते कहीं पूरी मार्केट में कहीं मिलेगा, ठीक है नहीं मिलेगा तो चलो भाई उसकी किस्मत जिसको मिला। अपनी गाड़ी यहाँ लगा के चलते हैं शंठा की तरफ, क्योंकि वहाँ पर ना भंडारा ओवर होने वाला है, इतना बड़ा कि गाइस पहले हमारा प्लान था वैसे दुइना जाने का, बट अभी हम जा रहे हैं शंठा, क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर भंडारा हो रहा है ओवर होने वाला है, और हम थोड़ा लेट चल रहे हैं, बट कोई नहीं, अब जल्द से जल्द ऊपर चलते भंडारे का लुत्फ उठाते और फिर वापस आएंगे दुइना की तरफ। अभी ऊपर हमारे को काफ़ी लोग मिल सकते हैं, जैसे दादी, गुड़ू पापा, नरवीर पापा। गाइस सामने देख रहे हो क्या ही खूबसूरत लग रहा है यार, वो देखो वो है अपना घर जहाँ से हम अभी हम आए हैं, और ये सामने है खारू, कितना ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आज ना बादल भी काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक हुए हैं। माता जी के दर्शन करने, और सामने आप देख सकते हो, देखो देख रहे हो यहाँ पर चल रहा है भंडारा। इस बार भी हम देखो धजा और कढ़ाई दोनों लाए चढ़ाने के लिए माता जी के मंदिर में, और इसके बाद हम दुइना भी जाएंगे वहाँ के लिए भी, क्योंकि हम धजा और कढ़ाई लाए, फिर उसके बाद हमने जाना है शांडली, क्योंकि नैन्सी आए, नैन्सी बोलते कि नहीं आना ही पड़ेगा, जो भी हो जाए तुम्हें आना पड़ेगा, और कुछ खा के जाना पड़ेगा, तभी छोड़ूंगी। बढ़िया बढ़िया जी बढ़िया, आप सुनाइए ठीक है। थोड़े
गाइस, बढ़िया सा भंडारा खा के क्या बात है आज यार। मतलब भंडारे में ना साथ में ना लाल मिर्च थी, पहले ही उन्होंने वार्न कर दिया था कि बड़ी तेज है तो ध्यान से खाना, तो मैंने उस टाइम तो खा ली। उस टाइम मतलब मजा आया खा के, तेज भी लगी, बट अब जो पेट में जल रहा है अलग है। और साथ में अभी हमारे को दादी भी ज्वाइन करने, दादी को भी हमने अभी क्या बोलते चांडी तक ले जाना है, तो इसलिए दादी को अपने साथ ही ले आए हम। बट यह कि इनका एक चक्कर अभी हम दुहिना का भी लगवाएंगे। आ जाओ आराम से, चलो कोई नहीं, अब नहीं फंसाएगा आपको, मेन सड़क में ले जाएगा। हाँ यहाँ आया नीचे दादी, बाट खराब हो रहा, आपको मैं ले चलता हूँ, क्यों टेंशन ले रहा हूँ जब तक आपके पास। बस ये नहीं कि मैं अभी गिरा आप भी गिरे, तब तो बेइज्जती है। कहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचा रहे दादी लोग आपको? दादी आपके फैन क्या बताया, सारी दुनिया में है ना, और जो भी आएगा पांव जरूर छुएगा आपके। तुम्हारे जैसे लड़के, अच्छा ये भाई है कौन तुम? मेरे को तो पता नहीं है, बोला हम कोई रोटली से कोई ठाणे से कोई। अच्छा, इतने लोग, इतने छोटे बच्चे सब, पंडित लोग सब बोलते जी हम तो देखते वीडियो में। तब आप मना करते कभी को आने से, ना मेरे को नहीं लेना। देखो लेना, पसंद कैसे करेंगे जब आप आओगे नहीं वीडियो में, बताओ गाइस। दुहिना जाते हैं तो देखो कौन मिल गया। हेलो लियो, देख दादी भी है यहाँ पे, भैया याद है? बेटे तो गाइस दादी और गाड़ी को एक जगह पर छोड़ के अब हम जा रहे हैं ऊपर दुहिना के लिए। दुहिना दादी को हम इसलिए ले जा रहे क्योंकि दादी अभी दुहिना से ही आए थे बेचारे, बोलते मुझे क्यों ले जा रहे हो फिर से। बोलते मैं गाड़ी में बैठती हूँ, तुम आओ जल्दी से जल्दी, फिर चल पड़ेगा आगे शांडली के लिए। कुछ तो कह रहे हैं काले बादल। हो सकता है जाने से पहले हो रही है लेकिन कुछ होता है। तो गाइस फिर से आज बारिश होने लगी है, अब शिव को भगवान के मंदिर है और ये हमारा आखिरी स्टॉप था, और संकेत दे रहा है भगवान की, हाँ भाई तुम्हारा सब शुभ हो, सफल हो। बाकी मौसम देखो यार खराब हो रहा है फिर से, ये देखो घने बादल एकदम है जी है गाइस। ऊपर से ना बूंदाबांदी भी गिर रही है बीच बीच में, क्या ही बताऊँ, कुछ अजीब सा हो रहा है मौसम यार। ये कुछ संकेत हमें गलत दे रहा है कि निकल जाओ यहाँ से टाइमली, वरना मैं बस कैंसिल ना हो जाता दिया जाना, आपके पास ही रुकना पड़ेगा आज। जगह देगा आपको थोड़े आगे, ये बाबा हमारे हमारे वहाँ हो नहाता दिखाता है, शानदार नहाता फेल कर देता सबको, तालटा तो उल्टा गया उसके सामने। हमने पहाड़ देख रहे हो कैसे काले हुए हुए, मतलब ये अभी ऑटम टाइम ही ऑटम के बाद, ये सर्दियों में इनमें आग लगी होगी पक्का। काले नहीं हुए देखो पार, सफेद जालिया जालिया बगीचे, जालिया तो है दादी अब। अभी हम डिनर ही कर रहे हैं क्योंकि लेट काफी हो गए, 6:30 से ज्यादा हो गए, तो कोई नहीं चलता है अपने को। इसके बाद निकलेंगे शिमला, खा ले यार थोड़ी रोटी खा लो, और खा ले यार इतना तो चलता है बदमाश। हां बिल्कुल थोड़ा दूंगी, आप बदला तो नहीं खा लेगी देखना, खाया करो खाया, अरे बस गाइस बढ़िया सा, मैं क्या बताऊँ इसको, डिनर बोलूँ डिनर ही बोलूँगा बेसिकली, अर्ली डिनर है।
अर्ली डिनर है बेसिकली हमारा यार, क्योंकि अब ऐसा है कि हमने इसके बाद शिमला निकलना है। नैन्सी ने स्पेशली बोला था तुम एक मील करने तो ज़रूर आना, अब ये बोलो लंच करने हो गए कि डिनर। तो लंच तो वहाँ भंडारे में हो गया था, डिनर अब चलो यहाँ हो गए। अब ऐसा हम यहाँ से डायरेक्ट शिमला ही निकलेंगे, फिर घर जाके ऐसा नहीं होगा कि खाना पीना है। बढ़िया खाना बना था यार नैन्सी को, मैंने स्पेशली बोला था पनीर बनाने को, और पनीर एक नंबर बना था इसमें। और भाई अभी वॉक करने आए थे, थोड़ा खाना डाइजेस्ट करने आए थे, और तभी हमने देखा कि यार आज हमारे स्टेप्स भी पूरे हो चुके हैं। जो हमारा डेली का गोल है ना वो पूरा हो चुका है आज यार, और इतनी खुशी हुई ना वो देख के मैं, क्या बात है यार। अरे यार बेटा लियो, हमें काम मिला था देखो ना दुनिया में, तब पहचान ही रहा था, और अब देखो आ गया मेरा बेटी। गुड बॉय लियो। टाइम बताओ 7:30 हो गए, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। एस्टिमेट लगा रहे हम 11:30 तक तो शायद पहुँच ही जाएंगे, बट चलो कोई नहीं अब घर ही जाना है। बाकी देखो दोनों गाड़ी अपने साथ ले गए, गुड्डू पापा ने जाना दुईना तक, हमने जाना है शिमला तक। तो गाइस इट्स 11:46, अब जाके हम पहुँचे अपने घर। सच बताऊँ तो मतलब सफ़र ठीक रहा है, पहुँच गए टाइमली, ठीक है। और अच्छी बात है पार्किंग भी मिल चुकी है हमें, अच्छी बात है। मैंने व्लॉग एडिट कर लिया था जब हम क्षण ले गए थे, वहीं पर मैंने एडिट कर लिया था। तो गाइस अपने को बढ़िया पार्किंग मिल चुकी है यार, खुशी। मैं सच बताऊँ मतलब जब भी मैं ऐसे रात को आया ना, मेरे को हमेशा पार्किंग मिली है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि पार्किंग नहीं मिली। चलते घर की तरफ यार, और कुछ नहीं बस अब आराम करते, थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। बाकी मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपके व्लॉग पसंद आए तो इसे जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जाने से पहले बेल घंटी जरूर दबाएं। तो गाइस मिलते हैं आपको एक ऐसे व्लॉग में बहुत जल्द, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। टिल देन टाटा बाय बाय।